आज ईटी नाउ स्वदेश की टीम है जवेरी बाजार में। मुंबई का तो सबसे बड़ा ज्वेलरी मार्केट है ही, देश का भी सबसे बड़ा ज्वेलरी मार्केट है, लेकिन यहाँ पर इस बार हम सिर्फ प्राइस की ही बात करने नहीं आए हैं। अगर आप ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल्स के दौरान करना चाह रहे हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या आपके लिए जानना जरूरी है, और ये बताने के लिए खुद हमारे साथ जीजेसी के चेयरमैन सैम मेहरा है। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया ईटी नाउ स्वदेश को एक बार फिर से। सबसे पहले सर, हम ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो क्या क्या देखना चाहिए, ये हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले आप अपने डिजाइन देखिए। सोने का भाव रोज दिन के अंदर कम से कम 10,000 से 20,000 टाइम चेंज होता है सोने का भाव। गोल्ड रेट्स को देखिए, आप क्या आ रहा है, कहां से देखे सर रेट? आप गोल्ड रेट आप देखे ना जाएंगे तो साइट्स पे देखेगा, जीजेसी की साइट है हमारी जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल की, उसके ऊपर 22 कैरेट के रेट्स आपको दिख जाएंगे। अगर जो रेट्स वहां पे दिखेंगे वही रेट मुझे रिटेलर देगा या कुछ मार्कअप रहेगा? जो रेट्स आपको वहां पर 22 कैरेट के दिखेंगे वही रेट पे आपको माल मिल जाएगा मार्केट के अंदर। और आज M6 के रेट जो होते हैं उसके ऊपर कुछ प्रीमियम भी कभी लगा होता है, कभी उसके अंदर डिस्काउंट होता है, तो वो रेट डायनेमिक होते हैं। बहुत बार कस्टमर वो रेट्स को देखता है लेकिन वो रेट एक्चुअल रेट्स नहीं होते हैं, उसके ऊपर डिमांड और सप्लाई के ऊपर वेरी करते हैं। ओके, तो इसीलिए आपको जो एक्चुअल रेट है वो जीजेसी की साइट के ऊपर 22 कैरेट के रेट्स दिखेंगे। दूसरी तीसरी बात यह है कि हॉलमार्किंग देखना बहुत जरूरी है। हम बहुत बार डिस्कस करते हैं कि हॉलमार्किंग 22 कैरेट है और आप बस 6-डिजिट मार्क देख लीजिए, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है सिर्फ। ओके, हॉलमार्क होती है 18 कैरेट, 20 कैरेट और 22 कैरेट। तो यानी कि हॉलमार्किंग हो गई मान लो 75 की, 82.5 की, ओके, और तीसरी हो गई 92 की। तो अगर हॉलमार्क हो गया तो आपको ये देखना है कि क्या कैरेटेज का हॉलमार्क हुआ है। ओके, उसके हिसाब से परसेंटेज आपको लगेगी, उसके ऊपर मेकिंग लगेगी। ओके, मेकिंग चार्जेस भी आजकल बहुत कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, जो मार्केट के अंदर एनीवेयर बिटवीन 8% to 20% के अंदर डिफरेंट डिजाइन के हिसाब से, वेरिएशन के हिसाब से लोग कर रहे हैं। और पुरानी गोल्ड ज्वेलरी अगर बेचने आते हैं तो बहुत बार उसके अंदर भी डिस्काउंट्स अपने कस्टमर, अपने रिटेलर कस्टमर को देता है। तो ये सब चीज़ें अगर ध्यान रखेंगे, कस्टमर से बात करेंगे, सॉरी अपने रिटेलर से बात करेंगे और रिटेलर से बात करके उससे समझेंगे तो सब चीज़ें वो अपने आप बता के आपको बेस्ट रेट्स के अंदर माल मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। हॉलमार्किंग का तो आप ध्यान रखें ही, 6-डिजिट का जो HUID नंबर है ना उसका भी आप ध्यान रखिए, और ताकि आपको प्योर सोना मिले। और 18, 20, 22 किस प्योरिटी का वो गोल्ड है वो आपको HUID के जरिए भी पता चल जाएगा, BISCARE ऐप के जरिए भी आपको पता लग जाएगा। सर, अब बात करते हैं, हम रीसेल वैल्यू की आप बात कर रहे थे, अगर कोई अगर रीसेल करने आता है, एक्सचेंज करना चाहता है, तो ज्वेलर्स की क्या पॉलिसी होती है आमतौर पर, एक कॉमन पॉलिसी के बारे में सर बताइए। देखिए, जब भी वो रीसेल करने आता है तो जो रेट में माल बेच रहा है, आज अगर 22 कैरेट में माल बेच रहा है और उसके ऊपर 1 या 2% प्रीमियम लगा रहा है, तो जो 22 कैरेट का रेट है 92 का, उस पर 1 या 1.5-2% के हिसाब से उसको डिस्काउंट देख के गोल्ड को वापस खरीद लेता है वो। अभी जिस स्पीड से भाव बढ़े हैं और 10-12% की जो तेजी आई है, तो बहुत बार यही हुआ है कि रेट बढ़ने से भी कस्टमर को माल सेल करने के टाइम पे उससे ज़्यादा जब बेचने आता है लेबर माइनस करके उससे ज़्यादा ही पैसा उसको मिल जाता है। Okay. लेकिन पॉलिसी के हिसाब से 2% 22 कैरेट का जो रेट है उससे 1 या 2% डिस्काउंट में उसको बायबैक एक रिटेलर कर लेता है। ओके, मेरा जी, अब आपसे मेरा एक सवाल होगा कि आमतौर पर जब हम गोल्ड ज्वेलरी वगैरह खरीदते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि उस पर स्टोन्स भी लगे होते हैं, तो स्टोन्स की प्राइसिंग कैसे तय होती है, उसका क्या कैलकुलेशन है, उसका क्या गणित है, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, स्टोन डिफरेंट तरीके के होते हैं, कुछ तो सीजेड स्टोन्स होंगे, एमरल्ड होंगे, रूबी लगे होते हैं, कुछ डायमंड्स भी, अलग डायमंड्स भी स्टोन्स हुए तो डायमंड्स लगे हैं। तो जो जो गोल्ड है, गोल्ड के अंदर जो बाकी स्टोन्स लगे हैं वो स्टोन्स माइनस करके गोल्ड की वैल्यू के हिसाब से गोल्ड की पेमेंट ली जाती है। और जो स्टोन्स की वैल्यू है, अगर कुंदन स्टोन्स हैं तो कुंदन जो नॉर्मल कुंदन है उसको 120 से 250 रुपया कैरेट हो गया। और अगर आज मान लो रियल अनकट डायमंड है, अनकट डायमंड के जो एक्चुअल रेट्स हैं उसके हिसाब से हो गया। जो जो रेड कलर के जो रूबी हो गए, एमरल्ड हो गए, जो जयपुर से आते हैं, उसकी भी क्या क्वालिटी है वो एक्सेस करनी है। एनीवेयर बिटवीन 200 to 2000 रुपीस कैरेट वो चीज़ें भी मिलती हैं, तो वो आपको देखनी है कि वो जयपुर की है, मुंबई की है, अहमदाबाद की है। वो अगर अपने रिटेलर के साथ बैठ के और जिसको अच्छी तरीके से पहचान है उस चीज़ की,
उसके हिसाब से उसकी बाइंग होती है। अभी तक इसके ऊपर कोई भी हॉलमार्किंग या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, ये आंखों से देख के ही इसकी चीज़ का पता लगेगा। ओके सर, अब डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। डिज़ाइन आप लोग कैसे बनाते हैं कि ये डिज़ाइन बनाना चाहिए? डिज़ाइन टैग करने का कोई फॉर्मूला वगैरह है या लेटेस्ट ट्रेंड आप देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरह की डिमांड है, उसके हिसाब से आप डिज़ाइन टैग? देखिए, डिज़ाइन आप शुरू करते हैं हम जनवरी से। जनवरी में अगर 14 से 17 तारीख को पोंगल हुआ या फेस्टिवल जैसे चालू हुए साउथ के, तो उसके हिसाब से साउथ की ज्वेलरी बनेगी लाइट वेट। उसके बाद फरवरी में आ गया आपका वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे में लाइट वेट ज्वेलरी फॉर मिलेनियल्स बनेगी, चेन आएंगी, पेंडेंट्स हो गए, स्मॉल राजकोट की ज्वेलरी हो गई। अप्रैल के अंदर से शादियां चालू हो जाती हैं, वो टाइम हो गया अपना अक्षय तृतीया का। उसके बाद बड़ी ब्राइडल ज्वेलरी चलेगी। मई अगस्त में रक्षाबंधन है, ब्रासलेट्स, घड़ियाँ जो होती हैं, जो रोज़ गोल्ड के ब्रासलेट्स हो गए, वो टाइप के डिज़ाइन चलेंगे। उसके बाद आप चलेंगे दिवाली के बाद, दिवाली के वापस ब्राइडल की जो ज्वेलरी आ गई, हैवी वेट ज्वेलरी आ गई, इन्वेस्टमेंट्स के लिए लोग ज्वेलरी खरीदते हैं तो वो हैवी वेट चलते हैं। और क्रिसमस के बाद फिर जो हॉलीडे के टाइप में जो लाइट वेट ज्वेलरी लोग बाहर इंडिया के बाहर या डोमेस्टिक कहीं पर जाके पहनना चाहते हैं, वैसे टाइप की चलती हैं। सो ज्वेलरी के डिज़ाइन सीजनल है, और ये जो त्यौहार होते हैं या मोर इंडिया का जो है नेशनल बर्ड या क्रिकेट के टाइप की जो ज्वेलरी आती है हैवी वेट, तो वो टाइप की ज्वेलरी के हिसाब से जो डिज़ाइन जो मार्केट के अंदर ट्रेंड चल रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग ज्वेलरी बनाते हैं। ओके, कस्टमाइज भी बनाते होंगे अगर कोई ऑर्डर लेके आ रहा है कि मुझे इस तरह की डिज़ाइन चाहिए? देखिए, हमारे हमारे डिज़ाइनर्स बैठे हुए हैं, रिटेलर्स के पास भी, हमारे पास भी हैं यूनिक में, तो डिज़ाइनर बैठता है कस्टमर के साथ या रिटेलर के साथ और बैठ के डिज़ाइन की एक रेंज बनाता है जो 3 से 4 महीने चलती है। और अगर कोई एंड कंज्यूमर है वो भी बैठ के खुद अपने सोच के हिसाब से उसको अगर डिज़ाइन की हम लोग पूरा जो बनाए हुए हैं वो दिखाते हैं, उसके हिसाब से वो डिज़ाइन अपने हिसाब से भी चेंज करते हैं। ओके सर, अब प्राइस की भी कुछ बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है आपको, किस तरह गोल्ड के प्राइस दिख रहे हैं आपको, आगे कहाँ तक की तेज़ी दिख रही है? सर 2510-11 का भाव है अभी, 73,000 के ऊपर विद GST रेट चले गए हैं। रेट में $10-20 की मंदी आ सकती है, लेकिन बड़ी मंदी इसके अंदर गोल्ड में अभी नहीं है। और तेजी कितनी, अगर साल अंत तक की बात करें तो कहाँ तक लग रहा है आपको? मुझे लगता है ये भाव पहले 2600-2650 शुरुआती जाएगा, साल के एंड में $2700 कॉमेक्स और इंडियन मार्केट्स में 77,000-78,000 के आसपास गोल्ड आ जाएगा। जो प्री ड्यूटी लेवल्स थे वो रेट को भी इस दिवाली तक के बाद वो क्रॉस कर जाएगा रेट। और ये जो इंटरनेशनल इसराइल की वॉर हो गई, जो आज आप रुपी के अंदर भी थोड़ा सा रुपी भी वीक हो रहा है, और इंटरनेशनली आज मान लो यूक्रेन और रशिया भी एस्केलेट होता है और यूक्रेन पीछे नहीं हट रहा है, और फेड अभी 2 बार रेट्स घटाने का विचार बना के रखा है फेड ने कि भाई 2 बार रेट्स घटाएगा एनीवेयर बिटवीन 0.25 to 0.5%, तो वो सब चीज़ों को अगर आप देखेंगे ना तो गोल्ड के जो रेट्स हैं वो तेज़ी की तरफ ही जाएंगे, नीचे आने का कोई कारण इसके अंदर दिख नहीं रहा। ओके, चांदी क्या लग रहा है, 1 लाख इस साल पार करेगी या नहीं? देखिए, चांदी का पहले टारगेट अगर आपसे हमने यारी बात हुई थी तब ये 1.25 लाख का रखा था, लेकिन 10% ड्यूटी घट गई है तो भाव साल के एंड में 1 लाख 1.5 लाख के आसपास ही आएगा, और 83,000 से 85,000 के बीच के अंदर रेंज के अंदर घूम रहा था। $29 के आसपास चांदी है, लेकिन $29 से भी आप देखेंगे तो धीरे धीरे ये $50 की जो रेट है उसके आसपास ये नेक्स्ट ईयर एंड तक आना चाहिए, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ेगा। जिस स्पीड से गोल्ड बढ़ा है उस स्पीड से चांदी अभी जो पहले लग रहा था बढ़ेगा अभी नहीं लग रहा है, कि चार्ट्स के हिसाब से जियोपॉलिटिकल टेंशंस के हिसाब से गोल्ड अभी स्पीड से बढ़ रहा है। चांदी 17,000 की तेज़ी कोई बड़ी बात नहीं है, चांदी के अंदर 100% ये ईयर एंड में आनी चाहिए और अगले साल एंड में आप देखेंगे तो 1.25 लाख के भाव फिर से देंगे। ओके, आखिरी सवाल मेरा जी आपसे होगा डायमंड मार्केट को लेकर। जिस तरह से चाइना से सप्लाई बढ़ी है लैब डायमंड की, यहाँ का भी मार्केट है, उसका पूरा असर नेचुरल डायमंड पर भी हो रहा है, क्या लग रहा है? जिस तरह से सप्रेस्ड है भाव के हिसाब से, क्या मार्केट में किसी तरह के रिवाइवल की आगे तेज़ी की उम्मीद है डायमंड मार्केट में? देखिए, डायमंड मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा लैब ग्रोन के अंदर काफ़ी कन्वर्ट हुई है डायमंड की बाइंग, लेकिन दोनों की भी मार्केट अलग अलग है, पैरेलल मार्केट है, लेकिन फिर भी एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है वो अभी लोग सोच रहे हैं कि लैब ग्रोन के अंदर ही वही लुक आ रही है, बड़े सेट्स के अंदर, रिंग्स के अंदर, बैंगल्स के अंदर सेम लुक आ रही है, तो वाई नॉट हम ट्राई क्यों ना करें लैब ग्रोन। तो लैब ग्रोन भी ट्राई काफ़ी कर रहे हैं। जो US और चाइना की मार्केट है जो एक्सपोर्ट्स के इंडिया से थे वो भी 22-25% डाउन है, तो डायमंड के अंदर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने भी अपनी जो स्टाफ था उनके पास उसको भी कम से कम 20-30% उसकी कैपेबिलिटीज़ को रिड्यूस किया है ताकि मार्केट को ओवर सप्लाई ना हो जाए डायमंड का।
तो ये तरीके से भी उन्होंने रुकावट डाली है, लेकिन डायमंड मार्केट अभी देखना है, साल डेढ़ साल उसको और लगेगा रिवाइव होने के अंदर। और जो रियल की बाइंग है वो पिछले ईयर साल से 20-25% डाउन रहेगी। इसके रेट्स हैं वो भी रैपोपोर्ट के हिसाब से अभी कुछ डाउन ही चल रहे हैं 20-25%। तो मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर रेट्स कम होने से भी थोड़े कस्टमर्स मार्केट के अंदर अट्रैक्ट हुए हैं, लेकिन इसको हर बार रिड्यूस करना ही सही चीज़ नहीं है। मार्केट में कस्टमर अपने आप मार्केट के अंदर आएंगे आने वाले टाइम के अंदर, लेकिन उसको लैब ग्रोन को अंदर पहले पूरा यूटिलाइज करते हुए उसके बाद डायमंड के अंदर ग्रोथ आएगी, लेकिन साल डेढ़ साल मार्केट अभी सप्रेस्ड रहेगी डायमंड की। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, आपने वक्त निकाला गोल्ड सिल्वर डायमंड और हमारे दर्शकों को भी समझाया कि खरीदारी से पहले क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चांदी भी इस दिनों में काफ़ी चर्चा में है, और ख़ास करके क्योंकि जिस तरह के इंडस्ट्रियल डिमांड यहाँ पे इमर्ज हो रही है, ज्वेलरी डिमांड इमर्ज हो रही है, उसके बाद से अब सवाल उठता है कि चांदी की चाल आगे किस तरह से हो सकती है। तो इस बार हमने तय किया है कि चांदी पर ही चर्चा की जाए, और मैं हूँ इंडिया के सबसे बड़े ज्वेलरी मार्केट जवेरी बाजार में, और जवेरी बाजार में भी चांदी के सबसे लीडिंग कारोबारियों में से एक सिल्वर एम्पोरियम के एमडी राहुल मेहता हमारे साथ खुद मौजूद है। शुक्रिया राहुल जी, आपने वक्त दिया ईटी नाउ स्वदेश के लिए। सर, चांदी की आज चर्चा करते हैं, शुरुआत बेसिक सवाल से करते हैं, जो शॉपिंग करना चाहते हैं चांदी को लेकर उनके लिए आपकी एडवाइस क्या है? 5 ऐसे गोल्डन टिप्स दीजिए, एक वन लाइनर टिप्स दीजिए। सी, चांदी कभी भी बाइंग करो इंसिस्ट ऑन हॉलमार्किंग। सबसे बेसिक है कि आप जो माल ले रहे हो उसकी शुद्धता गारंटेड हो जाती है। अगर सर छोटे, आप तो बॉम्बे में बैठते हैं, जवेरी बाजार में बैठते हैं, लेकिन छोटे शहरों में तो उस तरह के हॉलमार्क वाले बहुत कम बेचते हैं ज्वेलर्स। ये एक मिथ है कि हॉलमार्किंग होती नहीं, हॉलमार्किंग बहुत महंगी है। मैं जब आप मांगोगे तभी तो जाके वो आगे जाके वो हॉलमार्किंग करना चालू करेंगे, आप शुरुआत ही नहीं करोगे तो वो कैसे करेंगे। तो लेकिन उसकी प्योरिटी कैसे चेक करें कि वो असली हॉलमार्क किया हुआ है या नकली? उसके लिए कोई BIS का तो ऐप है नहीं? नहीं, BIS का ऐप नहीं है, मगर BIS का हॉलमार्किंग ईच एंड एवरी प्रोडक्ट को सर्टिफाई करता है, नीचे BIS का मार्क लगता है। तो वो क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए हॉलमार्क की हुई चांदी में? क्या क्या चीज़ें हॉलमार्क की हुई जो चांदी रहती है उसमें क्वालिटी मेंशन की हुई रहती है, BIS का हॉलमार्क रहता है, किस मैन्युफैक्चरर ने बनाया हुआ है और कौन से साल में बनाया हुआ, तो ये 4 मार्क्स रहते हैं हॉलमार्किंग के हर एक चांदी के प्रोडक्ट्स पे। तो ये आपके ज्वेलर जिससे भी माल लेते हो आपको ट्रस्ट करो, और हॉलमार्किंग में इंसिस्ट करने में कोई खराबी नहीं है। ओके, तो BIS का लोगो देखें, किस साल में किस मैन्युफैक्चरर ने बनाया वो देखें, कितनी प्योरिटी है वो आप देख सकते हैं। सर, चांदी की प्राइसिंग जब आप लोग तय करते होंगे तो कैसे तय करते हैं? सी, चांदी की प्राइसिंग जो होती है ना, एक इंटरनेशनल मार्केट होती है, उसके बाद में कस्टम ड्यूटी क्या लग रही है, रुपी रेट क्या होता है, वो डिफाइन करके चांदी का इम्पोर्ट कॉस्ट आता है। इम्पोर्ट कॉस्ट के बाद में एक ट्रेडिंग होते होते एक नॉर्मल ज्वेलर के पास एक चांदी की प्राइस डिफाइन होती है। काफ़ी एसोसिएशन होते हैं, जैसे इब्जा हो गई एक बेंचमार्क प्राइस रिलीज़ करती है। तो एक बेंचमार्क प्राइसिंग हो गई चांदी की माल बर्तन बेचने के लिए। हाँ। तो वो प्राइसिंग के ऊपर हर एक अपने ज्वेलर अपने हिसाब से मेकिंग चार्जेस लगाता है, वो मेकिंग चार्ज लगा के आगे सामान बेचता है। तो मेकिंग चार्ज कितना रहता होगा चांदी पे? हर एक प्रोडक्ट के वाइज होता है ना, आप जैसी इंट्रीसी होती है एनी वे बिटवीन, आप समझ लो 5% से चालू होता है वैल्यू एडिशन और जाने 20-25 तक वैल्यू एडिशन चार्जिंग होती है। ओके, जितने प्रोडक्ट की इंट्रीसी होती है, क्या क्वालिटी डिजाइन बहुत कुछ मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं जिसपे डिसाइड होता है कि चांदी की प्राइसिंग कैसे होगी। ओके, अगर ये बार ले या क्वाइन ले, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा मेकिंग में आपको कलाकारी करनी नहीं है। तो इसमें मेकिंग चार्ज कितनी रहती होगी? ठीक, बार क्वाइंस बोलो ना, डिपेंड्स अपॉन कौन सा ले रहे हो आप। समझ लो 5-7% एक वैल्यू एडिशन होता है खाली, 5-7%। हाँ, इतनी अप्रोक्सीमेटली, डिपेंडिंग आप देखो कौन से रिटेल स्टोर पे जाते हो, हर एक के मार्जिन का। अगर रॉ बार है बिल्कुल, तो हो सकता है कि 2-3% भी, 1% पे भी हो जाता है। चांदी के दाम हो गया उसके ऊपर 1% लग के हो जाता है बस, बाकी कुछ नहीं। सर, अब बात करते हैं डिजाइन को लेकर। डिजाइन आप लोग कैसे तय करते हैं कि ये डिजाइन क्या इस साल की पॉपुलर डिजाइन है, इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? चांदी में डिजाइन को लेकर क्या ट्रेंड चल रहा है, और आप लोग तय कैसे क्या करते हैं कि चांदी इस डिजाइन की आज बनानी चाहिए? हर एक चांदी में कोई भी आप व्यवसाय में हो तो उसमें एक सबसे बड़ा इंपॉर्ट होता है कस्टमर का फीडबैक क्या है, वो क्या चीज मांग रहा है, किस टाइप के ट्रेंड चल रहे हैं। आज जैसे यंगस्टर्स हैं उनकी डिमांड अलग होती है। जैसे आप कस्टमर्स आपके स्टोर पे आते हैं, वो बोलते हैं इस टाइप की चीज़ प्रोडक्ट है कि नहीं, तो वो सब इनपुट्स को हम लोग इकट्ठा करके और फिर बाद में इंटरनेशनल मार्केट ट्रेंड्स और डोमेस्टिक मार्केट ट्रेंड्स क्या है, वो दोनों को कंबाइन करके प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग चालू होती है। और ये प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में जो डिज़ाइनर होते हैं उनको यूजेबिलिटी और फंक्शनलिटी नहीं मालूम पड़ती, वो तो प्रोडक्ट अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग बैठते हैं साथ में, उसको फंक्शनल कैसे बनाना है, वो एक्चुअली यूज़ करने में कैसे क्या दिक्कत आएगी, वो सबको इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करके एक राइट प्रोडक्ट बनता है। ओके, चांदी के रीसेल वैल्यू की बात करते हैं। अगर मेरे पास कोई चांदी है, मैं आपके स्टोर्स पे आता हूँ या किसी भी रिटेलर के स्टोर में जाता हूँ, तो
उसके बायबैक की पॉलिसी क्या होती है, रिटर्न यानी एक्सचेंज वगैरह की क्या पॉलिसी होती है? हर एक स्टोर की एक बायबैक पॉलिसी अलग होती है, वो डिपेंडिंग अपॉन क्या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, सर्टिफाइड होता है, और हर एक स्टोर का एक बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस होता है स्टोर के अंदर, वो स्टोर प्राइस पे लोग प्रोडक्ट बाई करते हैं। तो जैसे आपका सामान हो गया समझ लो 92.5 का या 93% का, जो इंटरनेशनल हॉलबैकिंग स्टैंडर्ड है, जो करंट मार्केट रेट रहेगा उनका बाइंग और सेलिंग का रेट रहेगा, उसके ऊपर 93% करके वो एक्सचेंज कर लेते हैं। काफ़ी ज्वेलर ऐसा होता है कि जब आप प्रोडक्ट एक्सचेंज कर रहे हो तो आपको लॉस नहीं लगता है। ओके, तो आप बोला प्रोडक्ट रिप्लेस करो, आप एडिशनल मेकिंग चार्जेस दे देते हो, उसमें कवर हो जाता है पूरा। ओके सर, चांदी की डिमांड की अगर बात की जाए तो किस किस तरह के प्रोडक्ट अभी मार्केट में मौजूद है और किस किस तरह की डिमांड यहाँ पे? इसी चांदी की एक सबसे बड़ा जो मार्केट होता है ना, एक पूजा आइटम्स का मार्केट है, जो एक चांदी के जैसे बर्तन हो गए, चांदी के डिनर सेट हो गए, ग्लास सेट हो गए, भी आजकल काफी अच्छे चलते। उसके बाद एक कैटेगरी जो नई डेवलप हो रही है काफी, जैसे शो पीसेस हो गए, मास्टर पीसेस हो गए, डेकोरेटिव पीसेस, तो लोग क्या सोचते हैं, जैसे मैं अगर समझ लो पेंटिंग लेता हूँ, 4-5 लाख की पेंटिंग में खर्चा करता हूँ, ये करता हूँ, इससे चांदी की चांदी का प्राइस भी बढ़ रहा है और एक वस्तु और एक और चीज अपन जो नया ट्रेंड चालू हुआ है लोगों का, काफी चांदी के सोफा सेट बना लो, जहाँ पे घर बड़े होते हैं, विलास होते हैं, तो लोग बोलते हैं चांदी के सोफा क्यों नहीं ले लो। बिल्कुल सही बात है, काफी चांदी के यूज़ ग्रुप बढ़ रहे हैं देश में, उस हिसाब से दायरा भी चांदी का बढ़ रहा है। ये तो हो गया सर हाउस होल्ड यूजेज की बात हो गई, अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल यूजेज की। इंडस्ट्रियल इस्तेमाल कितना है चांदी का? सी चांदी जो मेजोरिटी कमोडिटी, इट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल कमोडिटी। इंडस्ट्रियल कमोडिटी इसलिए बोलना चाहते हैं बिकॉज चांदी का मेजोरिटी यूज होता है अलग अलग इंडस्ट्रीज में होता है। आज की रेट में जो सबसे मेजर जो कंजप्शन चल रहा है काफी टाइम से वो चल रहा है, वो सोलर इंडस्ट्री में चल रहा है। सोलर के जो पैनल्स होते हैं उसमें चांदी का काफी यूज होता है, और रिन्यूएबल एनर्जीज हो गया, ईवी व्हीकल्स हो गया, और काफी मतलब कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं उसमें चांदी काफी यूज होती है। ओके, प्राइस पॉइंट से अगर देखें तो किस तरह का ट्रेंड आपको लग रहा है, क्योंकि डिमांड में उम्मीद थी कि बहुत अच्छी डिमांड रहेगी, लेकिन इंडस्ट्रियल नंबर जिस तरह के आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के नंबर, चाहे वो चीन के हो, यूएस के हो या यूरो जोन के हो, तीनों कमजोर नजर आ रहे हैं। मगर आप ये देख रहे हो, मगर फ्लिप साइड देखोगे तो इस साल के जो नंबर हमको जो दिख रहे, इस साल चांदी में रेकॉर्ड डेफिसिट होने वाला है, लगातार फोर्थ ईयर है जो डेफिसिट की, और इस बार का रिकॉर्ड का डेफिसिट बहुत काफी बड़ा रहने वाला है। तो आप ये देखो कि भले इंडस्ट्रियल डिमांड कम हो रही है, मगर चांदी का जो यूजेस है अलग अलग इंडस्ट्रीज में वो बढ़ रहा है। आज इंडिया देखने जाए तो इंडिया सबसे बड़ा कंजम्पशन मार्केट है चांदी के बर्तन और ज्वेलरी के लिए, और वो जो अच्छे पेस पे बढ़ रहा है। तो एक ये एक छोटा सेगमेंट हो गया, अगर इंडस्ट्रियल जो कमोडिटी देखने जाए उसका सेगमेंट ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। तो डेफिसिट क्यों हो रहा है, जब कहीं ना कहीं तो डिमांड बढ़ रही है, भले ही आप काफ़ी वर्ल्ड की इकोनॉमी स्लो चल रही है तो उससे चांदी की डिमांड कम यूज़ हो रहेगी, मगर आप सोचो कि जब वो अगर वो भी इकोनॉमीज बढ़ने लग जाएगी तब चांदी में ग्रोथ कितनी हो सकती है। बिल्कुल सही बात है सर। अब चांदी के प्राइस की बात करते हैं, क्या लग रहा है, अगर इस तरह का सिनेरियो है, डेफिसिट की स्थिति है, लगातार जो डिमांड का जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है चांदी में, क्या लग रहा है प्राइसेस किधर जाएंगे साल अंत तक? सी हमें लग रहा है करीब 95,000 से 96,000 इमीडिएट में लग रहा है, कंजर्वेटिव में चांदी आनी चाहिए, और नीचे में डाउनसाइड देखने तो 78 से 79 में काफ़ी बार बोल रहा हूँ कि वो बहुत अच्छी रेंज है वहाँ पे बाइंग करने के लिए। जैसे अभी भी देखने जाते नीचे में 79 हुई थी और अभी 86,000 चल रही है, तो वो रेंज पे अच्छी स्ट्रेंथ है। मगर एक ये देखने जाएंगे जो ऊपरी स्तरों पर इंडस्ट्रियल डिमांड कम होने के चांसेस और ज़्यादा है। जब अगर चांदी की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे तो लोग जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो सोचेंगे कि रिप्लेसमेंट कम, सब्स्टिट्यूशन कैन नॉट कम इजीली, बट इट विल टेक सम टाइम। लोग ये सोचना लगेंगे अगर कंसिस्टेंटली चांदी के प्राइस बढ़ते रहेंगे तो लोग देखेंगे कि इसका सब्स्टिट्यूट क्या है। ओके, बिल्कुल सही बात है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अभी बढ़ना सही नहीं है। सर चलिए अब बात कर रहे थे कैरेट के हिसाब से, चांदी के यूजेज जो होते हैं या चांदी के अगर बर्तन सेट की बात करें, ज्वेलरी की बात करें, क्वाइंस की बात करें, तो उसमें कौन कौन से कैरेट किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो अगर ब्रेकअप अगर दे हमारे दर्शकों को। सी अभी देखने जाए कि चांदी का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो 93% हॉलमार्किंग होता है, इसको 9-5% बोलते हैं। तो उसमें क्या क्या बनते हैं? उसमें सब आइटम सारे, पूजा सेट, बर्तन ज्वेलरी सब बनते हैं। तो स्टर्लिंग ज्वेलरी, स्टर्लिंग जो बोलते हैं, स्टर्लिंग को लोगों को काफी महत्व होता है कि स्टर्लिंग मतलब कम टंच का चांदी, स्टर्लिंग मतलब जो है 92.5 हॉलमार्क जो बोलते हैं उसको स्टर्लिंग सिल्वर, उसमें 92.5% चांदी होती है, बाकी कॉपर होता है, अन्य मेटल होते हैं। और जब हॉलमार्किंग होता है तो उसमें अन्य जो मेटल होते हैं वो लेड फ्री होते हैं, जो अपने खाने की वस्तुओं में यूज़ करते हैं तो वो हार्मफुल नहीं होते। ओके, सो 9-5 एक बहुत पॉपुलर कैटेगरी है। नेक्स्ट होता है 999, 99% का। 99 में क्या क्या चीज़ें बनती हैं? सब बर्तन बनते हैं, बर्तन भी ज्वेलरी नहीं बनती होंगी, ज्वेलरी नहीं बनती है। तो बर्तन जो प्लेन बर्तन होते हैं ना वो 99 की प्योरिटी में बन सकते हैं, जो इंटीग्रेटेड डिज़ाइन होते हैं वो सब 9-5 में बनते हैं। ओके,
इसके अलावा कुछ और भी चांदी की ऐसी बारीक बातें जो आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं या कहें कि अनसुलझे पहलू जो लोगों को पता नहीं है चांदी के बारे में? एक मैंने देखा जाए कि चांदी की जो पायल पाजेब होती है ना, उसमें प्योरिटी में काफ़ी काफ़ी दिक्कत आती है। ओवरऑल आप कहाँ से बाइंग कर रहे हो तो उसमें एडल्टेशन इन टर्म्स ऑफ 30 टन से लेकर 60 टन तक की पायल आती है, ऊपर में 92 टन की आती है, तो वो एक बहुत ग्रे एरिया है। जब लोग बाइंग करते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट और जब रीसेल करने जाते हैं तो उसमें प्राइसिंग में काफ़ी वेरिएशन होता है। तो मैं एक ही बोलता हूँ कि जब भी आप चांदी की बाइक प्रोडक्ट बाई करो, एक इंसिस्ट करिए कि चांदी का हॉलमार्किंग कर लो। हॉलमार्किंग महंगा नहीं है, हॉलमार्किंग खाली एक 35 रुपया पर पीस का हॉलमार्किंग लगता है, वो छोटा सा अमाउंट। छोटे शहर में करके देंगे अगर मैं मांगूंगा? आप मांगोगे तभी होगा ना। आज जब गोल्ड का हॉलमार्किंग छोटे स्टोरों में हो रहा है तो चांदी का क्यों नहीं हो सकता है? अब फिर मैं क्लेम कर सकता हूँ कि आपने तो मुझे 92.5% चांदी की बात की थी, यहाँ पर तो 60% जब आपके पास अगर किया ही नहीं होगा तो आप कैसे बोलोगे? तो ये बिल्कुल सही बात है जैसा राहुल जी कह रहे हैं, अगर जब भी आप चांदी खरीदे तो आप हॉलमार्किंग की सर्टिफिकेट जरूर मांगे ताकि आप क्लेम कर सके कि आपने तो मुझे इतना परसेंटेज शुद्धता की बात की थी, तो फिर प्राइस रीसेल क्यों कम मिल रहा है? ऐसा होता नहीं है। देखो ऐसा देखने जाए तो जूलर्स कोई करता नहीं, मगर ऐसा चांस क्यों लेना? आप आपके जो जूलर्स उसको ट्रस्ट करो, विश्वास रखो, मगर हॉलमार्किंग मानने में कोई दायरा बहुत बड़ा है, मार्केट इतना बड़ा है, कौन कहां क्या कर दे, इसलिए आप अलर्ट रहना सावधानी की जरूरत है। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, प्राइस से लेकर तमाम शॉपिंग के तमाम टिप्स दिए कि चांदी कैसे खरीदना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, किस प्योरिटी की खरीदनी चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।